जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरी बहुत सी कविताएं हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं, लेकिन एक कविता है जो काफी जिद पे अड़ी हुई है कि गुरुजी से बात करनी है। बात तो आपकी आज्ञा है तो प्रस्तुत करो। हाँ हाँ हाँ, करो, जल्दी करो। गुरुदेव, एक बार मेरे और मेरे मन के बीच है ना द्वंद हो गया, तो वही कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो गुरुदेव, मेरा मन मुझसे कहता है कि ये तेरा झूठा भ्रम है कि तेरे गुरु तेरे सपने में आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर हाँ मेरे ख्यालों में रोज आते हैं, इसे कोई झुठला नहीं सकता। इस बात पर मेरा मन कहता है, अच्छा ये बता, तेरे गुरुजी कोई चमत्कार वमत्कार दिखाते हैं या यूं ही जय गुरुदेव जपता रहता है? मुझे उसकी मूर्खता पे हंसी आई और मैंने हंसकर उससे कहा, प्रेम की परिभाषा जानी है कभी? जहाँ प्रेम होता है वहाँ जो मिला वो सब स्वीकार होता है। वो फिर बदमाशी करता है और मुझसे कहता है, कितना परिवर्तन आया तेरे जीवन में ये तो बता। इस बार मुझे थोड़ी दिल पे चोट लगी और मैंने उससे कहा, उनके सिर्फ दर्शन मात्र से मेरी सारी तलाश खत्म हो जाती है, उनसे बात करके मेरे सारे संशय स्वतः ही भस्म हो जाते हैं और तू परिवर्तन की बात करता है। उसने मेरी श्रद्धा तोड़ने की पूरी कोशिश की। इस बार मेरा मन पूरी तैयारी के साथ आया, धीरे से मेरे कान में कहता है, अच्छा सुन प्रकाश, ये बता अपने गुरु से जो मांगा वो मिला कि नहीं? मैंने कहा, सॉरी ब्रो, मुझे नहीं पता मैंने जो मांगा वो मिला या नहीं, पर उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बस बात यही खत्म हो जाती है। गुरुजी, परसों विजयदशमी थी और वो दिन मन की इच्छाओं पे विजय का प्रतीक था, पर उस दिन मैं मन से हार गया और अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोट सका। और इच्छाएं ये है कि पिछली बार जब मैंने आपको हग किया तो शून्य का दर्शन किया था, वो दर्शन मैं दोबारा करना चाहता हूँ। आपकी आंखों में आंखें डालने की जो गुस्ताखी की थी वो दोबारा करना चाहता हूँ। कुछ पल आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। अपनी बेसुरी आवाज में दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, ऐसे फिल्मी गाने सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेजी गानों पे आपके संग झूमना चाहता हूँ। आपका जो बात की शुरुआत में बोलने का अंदाज है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। आपका सपना मेरा अपना, ये वादा पूरा करना चाहता हूँ। आप मेरे और मैं आपका, ये बिगुल ये बजाना चाहता हूँ। अपनी ऐसी बेजान टूटी फूटी मरियल सी कविताओं से आपको हंसाना चाहता हूँ। आपके प्रवचनों में मेरा नाम प्रकाश प्रकाश सुनना चाहता हूँ। अपना भी ख्याल रखा करो गुरुजी, ये लफ्ज बिना किसी की परवाह किए बोलना चाहता हूँ। गुरुजी, लास्ट टाइम मैंने आपको पोइम सुनाई थी शिवरात्रि पे, तब आपने मेरे को ब्लेस किया था, पास हो गया पास हो गया पास हो गया। और आपने ऐसा पास किया था कि जिस नोवेल को मैं लेके एक साल से लेके बैठा था, जिसकी कहानी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, जिसको मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन पता नहीं कितनी परेशान हुई थी, आर्थिक तंगी से मैं गुजर रहा था, वो 2 महीने के अंदर पब्लिश भी हो गया। और मन में एक इच्छा थी कि पब्लिश हो गया तो ये टेंशन था कि ये सेल ना हो जाए, तो ऐसा चल रहा था कि नहीं पहली कॉपी गुरुजी को मिलनी चाहिए। 2 महीने के अंदर सेल भी नहीं हुआ, डर था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सब जगह मिल रहा था, तो डर था कि नहीं पहली कॉपी गुरुजी को मिलनी चाहिए। जैसे ही मैं आश्रम में हुआ, आपका बाहर जाना हुआ, मैंने आपको कॉपी दी, मेरे सेलिंग स्टार्ट हो गई। और गुरुदेव, मैंने उस नॉवल का नाम अज्ञात सफर रखा है, जो युवाओं के जीवन पर मैंने लिखा है, और मुझे लगता है कि हर युवा को इसे पढ़ना चाहिए, अज्ञात सफर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू। जय गुरुदेव। हाँ,